वंडरस्लेट में आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो विवरण में दिया गया है। आज का क्विज विषय है 5th of April 2019 करंट अफेयर्स पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1। यूनिवर्सल बेसिक इनकम UBI के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आई, यह समाज के गरीब तबके के लिए लक्षित योजना है। 2. UBI परिवार के प्रत्येक सदस्य को एक निश्चित आय प्रदान करता है, इसलिए यह व्यक्ति और परिवार के बीच अंतर नहीं करता है। ऑप्शन ए, केवल आय। ऑप्शन बी, केवल 2. ऑप्शन सी, आय और 2 दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। चर्चा में क्योंकि कांग्रेस ने 25 मार्च 2019 को एक न्यूनतम आय गारंटी योजना की घोषणा की, जिसमें पार्टी के सत्ता में आने पर भारत के 20% सबसे गरीब परिवारों को ₹72,000 सालाना या प्रतिमाह ₹6,000 देने का वादा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन WTO विवाद निपटान प्रक्रिया की पहली प्रक्रिया है? ऑप्शन ए, पैनल द्वारा अपीयरेंस अपीलीय निकाय। ऑप्शन बी, सत्तारूढ़ का कार्यान्वयन। ऑप्शन सी, दलों के बीच परामर्श। ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, दलों के बीच परामर्श। WTO विवाद निपटान का पहला चरण पार्टियों के बीच दिवसीय परामर्श अवधि है। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस देश ने सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी खिताब 2019 का खिताब जीता? ऑप्शन ए, इंडिया। ऑप्शन बी, मलेशिया। ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। सही जवाब है ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। साउथ कोरिया ने 5 बार के चैंपियन भारत को अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में 30 मार्च को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही विश्व रैंकिंग में वे स्थान पर काबिज। कोरिया ने भारत के 6ठी बार खिताब जीतने के सपने को तोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 4। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 02 अप्रैल को RBI के 12 फरवरी 2019 के परिपत्र को रद्द कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक का 12 फरवरी का परिपत्र से संबंधित था? ऑप्शन ए, बैंकों की तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए नई रूपरेखा। ऑप्शन बी, नई रेपो दर में वृद्धि। ऑप्शन सी, डॉलर रुपए की मुद्रा स्वैप। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन ए, बैंकों की तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए नई रूपरेखा। रिजर्व बैंक RBI को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने RBI के 12 फरवरी के सर्कुलर को असंवैधानिक करार कर दिया है। मामला ये है कि रिजर्व बैंक ने 12 फरवरी 2018 को सर्कुलर जारी किया था, जो कर्ज में फंसी कंपनियों को दिवालिया घोषित करने से जुड़ा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार कर दिया है। यह फैसला 2 जजों की बेंच ने सुनाया है। RBI ने 12 फरवरी 2018 को बैंकों के कर्ज न चुकाने से जुड़ा सर्कुलर जारी किया था। इसे 12 फरवरी 2018 के नाम से ही जाना जाता है। यह सर्कुलर 2000 करोड़ रुपए से अधिक के लोन अकाउंट के डिफॉल्ट से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 5। MH-60 RC हॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को रोमियो के रूप में भी जाना जाता है, भारत द्वारा निम्न में से किस देश से आयात किया जाएगा? ऑप्शन ए, फ्रांस। ऑप्शन बी, रूस। ऑप्शन सी, अमेरिका। ऑप्शन डी, जापान। सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को MH-60 मल्टी मिशन विभिन्न अभियानों में काम आने वाले हेलीकॉप्टर बेचने की मंजूरी दे दी है।
अमेरिका की रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी DSCA ने 2 अप्रैल को एक विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी थी। अमेरिका से भारत को 2.6 अरब डॉलर अरब रुपए लगभग में इस तरह के 24 हेलीकॉप्टर मिल सकते हैं। इन हेलीकॉप्टर की आपूर्ति इनकी निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन की ओर से की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया नेटवर्क ने भारतीय राजनीतिक दलों से संबंधित 702 खातों को निष्क्रिय कर दिया है? ऑप्शन ए ट्विटर, ऑप्शन बी लिंक्डइन, ऑप्शन सी फेसबुक, ऑप्शन डी यूट्यूब। सही जवाब है ऑप्शन सी फेसबुक। फेसबुक कंपनी ने कहा है कि उसने कांग्रेस पार्टी से जुड़े 687 पेज और अकाउंट को निष्क्रिय कर दिया है। फेसबुक का कहना है कि ये अकाउंट और पेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संगठित रूप से गलत आचरण कर रहे थे। फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पर लगातार स्पैम अकाउंट को हटा रहा है। फेसबुक ने कहा है कि इन अकाउंट को कॉन्टेंट या फिर फेक न्यूज के आधार पर नहीं हटाया गया है, बल्कि इन्हें गलत आचरण इनऑथेंटिक बिहेवियर और स्पैम पुश करने के लिए हटाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7। विश्व के उस पहले जिले का नाम जहां कथित तौर पर 5G नेटवर्क चलेगा? ऑप्शन ए शंघाई जिला चीन, ऑप्शन बी मुंबई उपनगरीय जिला भारत, ऑप्शन सी शिकागो अमेरिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए शंघाई जिला चीन। चीन के शंघाई में स्थित होंगकू को दुनिया का पहला 5G कवरेज और ब्रॉडबैंड गीगाबाइट नेटवर्क वाला शहर बन गया है। चाइना का दावा है कि टेलीकॉम ऑपरेटर चाइना मोबाइल के सपोर्ट से यहां पर 5G नेटवर्क टेस्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस कंपनी ने हाल ही में स्टार्टअप चैटबोट कंपनी हैप्टिक का अधिग्रहण किया है? ऑप्शन ए भारतीय एयरटेल, ऑप्शन बी रिलायंस जियो, ऑप्शन सी आइडिया, ऑप्शन डी वोडाफोन। सही जवाब है ऑप्शन बी रिलायंस जियो। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो कंपनी ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कदम रखते हुए स्टार्टअप चैटबोट कंपनी हैप्टिक का अधिग्रहण किया है। जियो ने हैप्टिक के 87% शेयर खरीदने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 9। भारत के किस राज्य की कंदमाल हल्दी को हाल ही में विशिष्ट भौगोलिक पहचान के लिए GI टैग दिया गया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी ओडिशा। सही जवाब है ऑप्शन डी ओडिशा। भारत के ओडिशा राज्य की कंदमाल हल्दी को हाल ही में विशिष्ट भौगोलिक पहचान के लिए GI टैग दिया गया है। कंदमाल की लगभग 15% आबादी हल्दी की खेती से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 10। जर्मनी की कौन सी कार निर्माता कंपनी हाल ही में 3 भारतीय कंपनियों का विलय करेगी? ऑप्शन ए हुंडई मोटर्स, ऑप्शन बी होंडा मोटर्स, ऑप्शन सी फॉक्सवैगन, ऑप्शन डी चेवरलेट। सही जवाब है ऑप्शन सी फॉक्सवैगन। जर्मनी की कार निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन हाल ही में 3 भारतीय कंपनियों फॉक्सवैगन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फॉक्सवैगन ग्रुप सेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और स्कोडा ऑटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का विलय करेगी, जिसके लिए निदेशक मंडलों ने मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 11। बेंगलुरु में किस क्रिकेट कोच को हाल ही में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है? ऑप्शन ए ग्रेग चेपल, ऑप्शन बी CK खन्ना, ऑप्शन सी राहुल द्रविड़, ऑप्शन डी VVS लक्समन। सही जवाब है ऑप्शन सी
राहुल द्रविड़ बेंगलुरु में भारतीय और अंडर-19 कोच राहुल द्रविड़ को हाल ही में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष सी के खन्ना ने उनके प्रयासों की सराहना की है। क्वेश्चन नंबर 12। आईपीएल 2019 में चेन्नई की तरफ से खेलते हुए किसे खिलाड़ी ने 100 विकेट पूरे कर लिए हैं? ऑप्शन ए हार्दिक पंड्या, ऑप्शन बी कुणाल पंड्या, ऑप्शन सी द्वे ब्रावो, ऑप्शन डी दीपक चहर। सही जवाब है ऑप्शन सी द्वे ब्रावो। आईपीएल 2019 में हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए द्वे ब्रावो ने 100 विकेट पूरे कर लिए हैं। आईपीएल 2019 में मुंबई इंडियंस की खिलाफ मैच खेलते हुए सूर्य कुमार यादव का विकेट लेते हुए द्वे ब्रावो ने यह रिकॉर्ड बना लिया है। क्वेश्चन नंबर 13। किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी यूएई। सही जवाब है ऑप्शन डी यूएई। यूएई के राष्ट्रपति या क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएई देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 14। आईपीएल 2019 में कौन सी टीम 100 मैच जीतने वाली आईपीएल की पहली टीम बन गई है? ऑप्शन ए चेन्नई सुपर किंग्स, ऑप्शन बी कोलकाता नाइट राइडर्स, ऑप्शन सी मुंबई इंडियंस, ऑप्शन डी सनराइजर्स हैदराबाद। सही जवाब है ऑप्शन सी मुंबई इंडियंस। आईपीएल 2019 में मुंबई इंडियंस टीम 100 मैच जीतने वाली आईपीएल की पहली टीम बन गई है। आईपीएल 2019 के वे मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 37 रन से हराकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 15। सरकार की योजना के अनुसार कौन सा शहर इलेक्ट्रिक टैक्सी के लिए वायरलेस चार्जिंग सुविधा देने वाला विश्व का पहला शहर बन गया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी टेक्सास, ऑप्शन सी ओस्लो, ऑप्शन डी वाटफोर्ड। सही जवाब है ऑप्शन सी ओस्लो। सरकार की योजना के अनुसार ओस्लो शहर इलेक्ट्रिक टैक्सी के लिए वायरलेस चार्जिंग सुविधा देने वाला विश्व का पहला शहर बन गया है और साथ ही इलेक्ट्रिक कार की बिक्री के मामले में यूरोपीय कंट्री जर्मनी और फ्रांस को नॉर्वे ने पीछे छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 16। हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता रमणिका गुप्ता का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ऑप्शन ए 75 वर्ष, ऑप्शन बी 79 वर्ष, ऑप्शन सी 85 वर्ष, ऑप्शन डी 89 वर्ष। सही जवाब है ऑप्शन डी 89 वर्ष। हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता रमणिका गुप्ता का हाल ही में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे साहित्य, समाज सेवा और राजनीति सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17। भारत ने लगातार कौन से वर्ष आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब बरकरार रखा है? ऑप्शन ए तीसरे वर्ष, ऑप्शन बी दूसरे वर्ष, ऑप्शन सी पांचवे वर्ष, ऑप्शन डी आठवे वर्ष। सही जवाब है ऑप्शन ए तीसरे वर्ष। भारत ने लगातार तीसरे वर्ष आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब बरकरार रखा है। आईसीसी टेस्ट में इस वर्ष न्यूजीलैंड की टीम दूसरे नंबर पर है। पहले स्थान पर रही भारतीय टीम को $10,00,000 की इनामी राशि दी जाएगी।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस क्विज का अभ्यास करना चाहते हैं, तो अब नीचे दिए गए विवरण में लिंक पर वंडरस्लेट एप्लीकेशन डाउनलोड करें। यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट करें। एंड आपको वीडियो पसंद आया है और इसे अधिक देखना चाहते हैं, तो अंगूठे को हिट करें और भविष्य के वीडियो के अधिक अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।